एक साथ तीन बच्चे को एक माँ जन्म देती है। देखिए सामने बच्चा है, बच्चे को देखिए आप कितना स्वस्थ बच्चा है। तीनों बच्चा बच्चे को दिखाइएगा, देखिए तीनों बेटी है, तीनों लक्ष्मी आई है घर में, खुशी लेकर आई है घर में। ये बच्चा तीनों एक साथ हुआ क्या अलग अलग? ना एगो होले 2 बजे घर ही पर होले, आ दूगो होले 3 बजे में हॉस्पिटल में। वो यानी एक ठो घर पर? हाँ एक घर, दो गो हॉस्पिटल। हाँ हाया घाट हॉस्पिटल में तो बच्चा सब कमजोर छले, पेशेंट भी कमजोर छले, तो ओकरा पानी उनी चढ़े लग रहा, हमरा रेफर कर दल के बच्चा के, तो हम बच्चा के लेके हम अपन दमाद आ हमें लेके गेले भाग लिए दरभंगा। डॉक्टर तो ये भी कहा होगा कि ऑपरेशन करवा लीजिए? ना ऑपरेशन उपरेशन कुछ नहीं, नॉर्मले भेले, कुछ अथी नहीं भेले हैं, नॉर्मल ही हो गया। हाँ नॉर्मले भेले, कोई अथी दिक्कत उक्कत कुछ ना, ना दर्द ना उर्द कुछ नहीं। तो आप भी आइए दोस्तों, आपने चमत्कार तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसा चमत्कार दिखाएंगे, भगवान का करिश्मा दिखाएंगे, जो एक साथ तीन बच्चे को एक माँ जन्म देती है। देखिए सामने बच्चा है, बच्चे को देखिए आप कितना स्वस्थ बच्चा है। तीनों बच्चा बच्चे को दिखाइएगा, देखिए तीनों बेटी है, तीनों लक्ष्मी आई है घर में, खुशी लेकर आई है घर में। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? पार्वती कुमारी। नॉर्मल डिलीवरी हो गया जी? को हल्का दर्द होता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कैसे ये दर्द झेल लिया आप? क्या सब नाम रखे हैं? सृष्टि, श्रिया, सोनाली का। सृष्टि, श्रिया और सोनाली का। सोनाली जी आपने नाम रखा है? जी हम नाम रखे। देखिए एक साथ तीन बच्चा जन्म, आप ही का है तीनों बेटी जी? कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। उदास लग रहे हैं? नहीं नहीं उदास नहीं है, बहुत खुश है। भगवान ने जो दिया अच्छा ही देता है, बहुत बढ़िया देता है। हम लोग सरकार से और कुछ भी चाहते हैं, मांग करते हैं, क्योंकि आप बेटी हुई है तो खर्चा बढ़ा है, शादी ब्याह का टेंशन बढ़ गया है, तो सरकार से आप मांग करते हैं कुछ लाभ मिले, ताकि हम हमारा बोझ कमे। बोझ कमे, सही बात, क्योंकि हम लोग को बहुत खुशी है, बेटी हुआ है और बनिए से खुश है। एक बेटी गया है, वो आएगा 1.5 घंटे के बाद। एक बच्चा बीमार है जी और दो यहाँ है। देखिए दो को दिखा दीजिएगा, देखिए दोनों को करीब ले जाकर दिखाइए आप। देखिए दोनों बेटी है, और अभी यहाँ कौन है? सृष्टि और क्या बोले ना? श्रिया और सोनाली का। यहाँ श्रिया और सोनाली है, सृष्टि गई है हॉस्पिटल जी, बीमार है जी। आप खुश नहीं हैं? बहुत खुश हैं, खुश नहीं है तो वैसे ही पोस रहे सबको। बताइए, देखिए खुशी से मुस्कुरा रही हैं, और तीन बच्चे जो हुई हैं भगवान का, ये समझिए एक उपहार, एक गिफ्ट समझ लीजिए, भगवान ने आपको एक उपहार दिया है बच्चे के स्वरूप में जी। अच्छा आपने कभी सुना था कि एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं? सो तो कभी नहीं सुने थे। आप ही के साथ हो गया? हुआ तो कैसे, तो रखना ही पड़ेगा, रखना आप ही का ना बच्चा, तो फिर बच्चे है एकदम रखेंगे और क्या, खुशी मना रहे हैं बस, भगवान जो दिया उसी में रहेंगे। खुशी मना रही हैं आप जी? तो प्यार करते हैं कि नहीं आपके हस्बैंड? देखिए इन दोनों की प्यार की निशानी है, एक तो बीमार है, क्या कैसा स्थिति है उनका? नॉर्मल है? स्थिति नहीं है, नॉर्मल दिखे, कोई ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, एकदम ठीक है। वो गया है दवाई लेने के लिए, थोड़ा मोड़ा घूमने के लिए, मौसी गया है मेरा लाने के लिए दवाई, उसको लेके गया बच्चा को दवा लाने जी जी। ये भी उन्हीं का बेटा है जिनका नाम पार्वती देवी है। पार्वती देवी नाम है आपके पुत्र का? पार्वती कुमारी देवी। ओ पार्वती कुमारी देवी आपका पोता है? हाँ 2 साल का। तीन को पोती आ गए, खुश हैं कि नहीं खुश? हाँ बहुत खुश है, उसको कुछ दिक्कत उक्कत नहीं है। हम लोग के हो तो मन में दुखी हो, लेकिन हमारा कोई दुखी नहीं होले है। कोई दुखी नहीं? कोई दुखी नहीं, यानी भगवान बेटी होता है, बहुत से लोग बेटी को बलि चढ़ा देते हैं, बेटी को मार देते हैं, बहुत से लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन सफाया उफाया करा दे, लेकिन हम सब अल्ट्रासाउंड सब करवा उरवा के तैयो मन में हम दुख नहीं के लिए। अल्ट्रासाउंड हुआ था? हाँ अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर साहब कहल के सीधे 2 ही गो है, आब छुपा देलकै कि की केलके, तऽ हम तऽ नहि गेलियै देखे ले, अल्ट्रासाउंड में 2 ही गो बतेलकै डॉक्टर साहब, हम तऽ सब चीज करा उरा के थपि गेलियै। अच्छा बहुत से लोग बेटी को पेट में ही मार देते हैं, बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है ना? डॉक्टर साहब यह ना सब अथी कल के होते हैं कि बेटी कहबे तो सफैया उफैया करते, लेकिन हमारा कल के कि बेटा होगा तो हम नहीं सोच भी नहीं के लिए कि ना बेटियों रहते या बेटा रहते, हमारा कोई गम नहीं है। अहले देखिन भगवान हमारा धरती पर तक केना तो पोसल पालन तो होबे करते। आप भी तो कभी बेटी थी? हमू तो ककरो तो बेटी छेबे छे, 3 बहन छे, 3 गो हमरो लड़की है, हमरो 3 गो पास लड़की है, तो एक बार नहीं हुआ है सो हम कहेंगे कि एक बार हुआ है। अच्छा लोगों को क्या कहिएगा? बहुत से लोग बेटी का नाम सुनते ही उसको या तो
पेट में मरवा देते हैं या फेंक आते हैं जन्म देने के बाद, उनको क्या कहिएगा आप? ऐसा करना चाहिए ना? ये सब नहीं करे के चाहिए, ये सब के नहीं, हमारा सब के ना भेले हैं ना कुछ, जेकरा दिक्कत है जे भेले हैं से करवे है, हमारा सबके तो कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। देखिए दोस्तों, इस घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया है, और देखिएगा तो पूरे भारत की बात बताई जाए तो बिहार की बात कर ले या यूपी की बात कर ले, बेटी से लोग भागते हैं, अगर बेटी का सुनते हैं कि बेटी जन्म होने वाली है, पत्नी से प्यार कम करते हैं, झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है। लेकिन आज देखिए एक परिवार ऐसा परिवार है जो बेटी होने के बाद भी खुशी है, खुशी मना रहे हैं। देखिए उनके हस्बैंड है यहाँ, ये भी बहुत खुश है, क्योंकि नहीं तो बेटी होने के बाद बहुत से लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं कि तुम बेटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं होता है। प्यार कमेगा नहीं ना? प्यार कभी नहीं कमेगा, प्यार नहीं कमेगा, नहीं कमेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, और हम भी रहेंगे जैसे है। मेरा बच्चा भी है, खुश है, उसमें हम भी खुश है, जो दिया भगवान उसी में खुश रहेंगे, उसी में खुश हैं जी एकदम। तो देखिए अगर आप, आपके घर में भी लक्ष्मी का आगमन होता है तो लक्ष्मी से प्यार कीजिए, लक्ष्मी को फेंकिए मत। कई बेटियां पेट में ही मर जाती है, कई बेटियां जन्म होने के बाद उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। अब तो सास है इनकी, सारा बात पता होगा। ये बच्चा तीनों एक साथ हुआ क्या अलग अलग? ना एगो होले 2 बजे घर ही पर होले, आ दूगो होले 3 बजे में हॉस्पिटल में, यानी एक ठो घर पर। हाँ एक घर, दो गो हॉस्पिटल। हाँ हाया घाट हॉस्पिटल में तो बच्चा सब कमजोर छेले, पेशेंट भी कमजोर छेले, तो ओकरा पानी उनी चढ़े लग रहे, हमरा रेफर कर दल के बच्चा के, तो हम बच्चा के लगे हम अपन दमाद आ हमें लगे गेले भाग लिए दरभंगा। डॉक्टर तो ये भी कहा होगा कि ऑपरेशन करवा लीजिए? ना ऑपरेशन उपरेशन कुछ नहीं, नॉर्मले भेले, कुछ अथी नहीं भेले हैं, नॉर्मल ही हो गया। हाँ नॉर्मले भेले, कोई अथी दिक्कत उक्कत कुछ ना, ना दर्द ना उर्द कुछ नहीं। पढ़ाइएगा कि नहीं? पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया। क्या बनाइएगा तीनों को? अब तो किस्मत ले जाएगा इसका, सोचते हैं बनाएंगे कुछ, पढ़ाई करवाइए, पढ़ाई कराएंगे बहुत बढ़िया से कराएंगे। देखिए एक बाप कह रहा है कि हम बेटी की पढ़ाई करवाएंगे और उसको एक अच्छे पोस्ट पर, यानी जो उसके किस्मत में होगा वो उनको अपना मिलेगा, हासिल कर लेगा, हासिल कर लेगा। अब जो मेरा भी तो कोई नहीं, मतलब बच्चे आप बताएगा जो क्या करेंगे, जवान होने के बाद ही कुछ बोलेगा, तो इसलिए सरकार जो करे। क्या सोचते हैं इस 3 बेटी के बारे में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।